नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह और खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों से होकर गुजर रहे सड़कों का निरीक्षण करेंगे। सीएम अधिकारियों की टीम के साथ वर्षों से अधर में पड़े सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेंगे और साथ ही बता दें कि इसके गतिरोध को दूर करने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरा को लेकर वाल्मीकि नगर के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी कर दी गई है और इलाके से जुड़े सभी रास्तों पर सघन वाहन जांच चलाया जा रहा है और लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के पूर्व तैयारी की जा रही है और बता दें कि मुख्यमंत्री बघा के लिए निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में बघा पहुंचेंगे। और बता दें आपको कि बघा में सड़कों के निर्माण को लेकर सीएम नीतीश कुमार निरीक्षण करेंगे और साथ ही बता दें कि सीएम अधिकारियों की टीम के साथ सड़क निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वाल्मीकि दौरा और इस दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों से होकर गुजर रहे सड़कों का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार और वहीं सीएम अधिकारियों की टीम के साथ सड़क निर्माण कार्य का भी जायजा लेंगे। तो सीएम नीतीश कुमार का आज वाल्मीकि दौरा और बता दें कि आपको कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों से होकर गुजर रहे सड़क का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बघा से जुड़ चुके हैं संवाददाता राकेश सोनी। राकेश, समझना चाहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बघा दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका और कितने बजे पहुंचेंगे वाल्मीकि नगर सीएम? जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी चनपटिया कृषि बाजार समिति परिसर में पहुंच चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर अभी लैंड किया है और चनपटिया कृषि बाजार समिति में उनके द्वारा जो छोटे छोटे जो स्थानीय जो कला मजदूर थे, जो कारीगर थे, उनके द्वारा जो सामग्री निर्माण किया गया, जैसे साड़ी हुआ, जैकेट हुआ, अन्य जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा जो तैयार किया गया है, जो सरकार और जिला प्रशासन के सहयोग से या उद्योग जो लगाया गया है, औद्योगिक हब बनते जा रहा है पश्चिम चंपारण का इलाका। तो जो पश्चिम चंपारण के जो भी कारीगर हैं वो अपने सामग्रियों के साथ कृषि बाजार समिति में परिसर में अपना प्रदर्शन लगाए हुए हैं, जिसको मुख्यमंत्री स्वयं निरीक्षण करेंगे और उसके बाद उसमें जो खामियां होगा, क्या परेशानियां आ रहा है कारीगरों को, जो छोटे छोटे जो उद्योग लगे उद्योगों को जो परेशानी आ रही है, उसके सारे लोगों से बात करेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसमें उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि स्वरोजगार आत्मनिर्भर बन सके चंपारण के लोग, उसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी देंगे, उनको जो कठिनाइयां आता उसको दूर करने की पहल की जाएगी। उसके बाद पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर आएंगे, बघा आएंगे एसएसबी कैंप में और उसके बाद वहां सड़क मार्ग के द्वारा रामपुर, मदनपुर और मदनपुर पनियावा सड़क का निरीक्षण करते हुए वाल्मीकि नगर पहुंचेंगे। जी राकेश, ये भी जो समझना चाहेंगे सीएम नीतीश कुमार का बघा दौरा है, इसको लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? पूरी तरह से हर जगह चौक चौराहा जो जो भी है सारे नाकाओं को सील कर दिया गया, जिस रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरेंगे उस रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। एसएसबी और जो स्थानीय पुलिस है पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर वाहनों की जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई मुख्यमंत्री काफिले में दिक्कत नहीं हो, उसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक स्तर पर पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी उत्पन्न न हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वाल्मीकि दौरा और बता दें आपको कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगलों से होकर गुजर रहे सड़कों का निरीक्षण करेंगे सीएम नीतीश कुमार। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल की। जूनियर डॉक्टरों की आज हड़ताल का 9वां दिन है और बता दें आपको कि आज जूनियर डॉक्टर्स जो हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात होगी उनकी और देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात के बाद क्या कुछ निर्णय लेते हैं जूनियर डॉक्टर, जहां पर लगातार स्टाइपेंड की बढ़ोतरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और जूनियर डॉक्टर चाहते हैं कि उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर गुस्से में है जूनियर डॉक्टर और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पीएमसीएस से जो खबरें मिल रही थी जहां पर मरीज काफी परेशान है और मरीज के जो अभिभावक हैं वो उन्हें लेकर दूसरे अस्पतालों में भाग रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से चरमरा गई है, पीएमसीएच की बात कर ले तो पीएमसीएच सहित तमाम जो सरकारी अस्पताल है स्वास्थ्य सेवा पूरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है और साथ ही बता दें कि इसको लेकर लगातार जो कहे कि डॉक्टर्स से बातचीत नहीं की गई, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं, वो गुस्से में है। स्टाइपेंड की मांग को लेकर जो कहे कि लगातार बढ़ोतरी को लेकर ये मांग कर रहे हैं और साथ ही बता दें कि बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 9वां दिन है
और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनसे आग्रह किया है कि इस कहे कि हड़ताल को खत्म करें। से बार बार अपील कर रहा हूं कि आप जनहित में, राज्य हित में, गरीबों के हित में आप अपने काम पर वापस आइए। आपकी यह जिम्मेवारी है कि आप राज्य के अस्पतालों में उन लोगों की सेवा करें जिनको स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। आपके जो विषय हैं उनको हम लोगों ने सुना है, उस पर उचित निर्णय भी करेंगे। सरकार आपकी बातों को सुन के उचित निर्णय करेगी, लेकिन जनता को कष्ट नहीं हो इसका ध्यान भी सभी चिकित्सक रखें और मेरी अपील है कि वो काम पर वापस आ जाएं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौतम। गौतम, लगातार जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है, आज नौवां दिन है हड़ताल का, और बता दें कि स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से प्रभावित है। हम जानना चाहेंगे आपसे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से कितनी परेशानियां हो रही है मरीजों को, जिस प्रकार से नौवां दिन है आज। वो जूनियर डॉक्टरों के ना काम करने से बस से बदतर हो रहा है। सीनियर डॉक्टरों की जो संख्या है वो जूनियर डॉक्टरों के बगैर वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों का इलाज कर पाना संभव नहीं है। जिस तरह से जूनियर डॉक्टरों ने अभी तक काम का बहिष्कार किया और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। पीएमसीएच की जो असलियत होती है, सीनियर डॉक्टर के बजाय जूनियर डॉक्टर के भरोसे ही पीएमसीएच को चलाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। सरकार भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती है, मगर अभी तक इस फैसले को ना लेना या इस फैसले पर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना, कहीं ना कहीं सरकार और जो जूनियर डॉक्टरों के बीच में बातचीत हो रही है उसका जो असर होना चाहिए या जो इस पर फैसला होना चाहिए उसमें कमी दिख रही है, गंभीरता कम दिख रही है। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच है और यहाँ पर रोजाना 3 से 4 हज़ार के करीब मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। गंभीर मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ओपीडी की संख्या भी अगर बात कर ली जाए तो उसमें भी बहुत ज़्यादा मरीज पहुँचते हैं। ठंड का समय है, ऐसे भी इस ठंड के समय में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। हृदय रोग से जुड़े हुए हैं या अस्थमा से जुड़े हुए वैसे लोगों की संख्या बढ़ जाती है और बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी इस मौसम में परेशानी का सबक ज़्यादा हो जाता है। तो उस स्थिति में पीएमसीएच के पूरे इलाज की व्यवस्था जो है नर्सों के भरोसे है, जिस सीनियर डॉक्टर हैं वो अपने काम को कर रहे हैं, मगर जूनियर डॉक्टर जिस तरह से राउंड अप होता था, उनका चेकअप होता था, सीनियर डॉक्टरों के एडवाइस को वो फॉलो करते थे, जिस तरह से डॉक्टरों का परामर्श लोगों को मिलता था वो पीएमसीएच से नहीं मिल रहा है। और लगातार कई ऐसे ऑपरेशन को भी टाले गए हैं, बहुत जरूरी थे। ओपीडी की सेवाएं जो चलती थी, जो मरीजों की संख्या होती थी देखने की, वो संख्या काफी कम हो गई है। भीड़ भाड़ भी जो पहले रहती थी वो अब मरीज भी समझ चुके हैं कि जब तक जूनियर डॉक्टर नहीं लौटेंगे यहाँ पर इलाज कराने के लिए, अगर हम जाएं तो और इलाज कराने के बजाय और हम बीमार पड़ सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से आज जब इन बिंदुओं पर सवाल किया गया कि आखिर क्या है सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टरों के स्ट्राइक का अभी तक क्या कुछ सरकार ने फैसला लिया है, उस पर उन्होंने अपील की। अभी भी जो उनका शब्द था, अपील से जुड़ा हुआ शब्द था, उन्होंने कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई ऐसा शब्द नहीं कहा कि जूनियर डॉक्टर जो स्ट्राइक पर गए हैं उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, मगर उन्होंने कहा कि राज्य हित और जनता हित को देखते हुए जो है वो काम करें, अपनी बातों को रखना वो लाजमी है, मगर जनता की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि उनकी एक जो जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी को उनको समझना चाहिए और अपने काम पर वापस आना चाहिए। सरकार उनके स्टाइपेंड को लेकर जो फैसला लेना है उस पर फैसला लेगी, मगर अभी जो है जूनियर डॉक्टर अपने स्ट्राइक को खत्म करके काम पर वापस आ जाए। मगर स्वास्थ्य मंत्री की अपील का जो है कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के सामने भी अपील की है और स्वास्थ्य मंत्री की जो बात हुई है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये अपील हमारी है जूनियर डॉक्टरों से कि वो अपने काम पर वापस आए, मगर अपील का कोई असर नहीं है। जूनियर डॉक्टर ने यह मन बना लिया है कि जब तक हमारी मांग स्टाइपेंड की जो वृद्धि होनी चाहिए, 3 साल में सरकार ने सेवा शर्त रखा है, लिखित रूप से जो सेवा शर्त दिया है उस पर जो है कार्रवाई अगर नहीं होगी तो हम वापस नहीं आएंगे। और ये फैसले के कारण जो है कई मरीजों को जो है जो इलाज के अभाव में जो है उन्हें दिक्कत हो रही है और जो ऑपरेशन टले हैं, गंभीर ऑपरेशन है वो टले हैं, इलाज सही से नहीं हो पा रहा लोगों का, तो उससे जनता काफी परेशान है। जी गौतम, बिल्कुल ये समझना चाहेंगे, इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने जूनियर डॉक्टर से आग्रह किया था कि वो काम पर लौट आए, क्योंकि वो भगवान के समान होते हैं और उनके ना आने से या उनके हड़ताल पर जाने से कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है और कई ऑपरेशंस जो बहुत बेहद जरूरी हैं वो भी टाल दिए गए हैं। लेकिन अब तक दूसरी बार अपील की है लेकिन अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है। और साथ ही आज ये भी जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से जूनियर डॉक्टर से मुलाकात करेंगे। ये समझने की जरूरत है कि आखिर नौवां दिन है आज और उनकी मांगों को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। देखिए, प्रधान सचिव जो है उनकी बात पहले भी जो है जूनियर डॉक्टर ने कर चुकी है। अगस्त तक से अभी तक का जो समय बीता है, इस 4 महीने के करीब जो है उनकी मुलाकात
कई बार प्रधान सचिव के स्तर पर हो चुकी है और उनकी जो जवाब उनके तरफ से जो दिया गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण जूनियर डॉक्टरों में काफ़ी नाराजगी है। सरकार के तरफ से जो सेवा शर्त जूनियर डॉक्टरों को दिया गया है उसमें ये 3 साल में स्टाइपेंड वृद्धि की बात कही गई है। जनवरी 2017 में जो है ये स्टाइपेंड वृद्धि की गई थी, जो 2020 के जनवरी में ये सेवा में जो स्टाइपन की जो वृद्धि होनी चाहिए वो बढ़ोतरी का समय पूरा हो चुका, मगर जनवरी से लेकर अभी तक कोई वृद्धि की घोषणा नहीं होने से जो है जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश है। उनका कहना है कि लगातार हम कई बार इसको लेकर मांग कर रहे हैं मगर मांग हमारी सुनने के बजाय हमें फटकार कर जो है विभाग से भगा दिया जाता है, इससे हम काफ़ी नाराज है। इस तरह का रवैया अगर हमारे साथ किया जाएगा तो हम काम जो सरकार की कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए जो कहा जा सकता है जो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसमें जो जनता को समस्या होगा उसके लिए जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि हमने अपनी बात को पहले बातों से रखा है, कागजी कार्रवाई के रूप में रखा है, मगर उन तमाम बातों को जो है सरकार ने नज़रअंदाज किया, प्रधान स्तर के अधिकारी ने इन बातों को सुनने से इनकार कर दिया, मुलाकात करने से इनकार किया, आखिर जो फैसला हुआ हमारा स्ट्राइक पर जाने का फैसला हुआ और अभी तक कोई हमारे इन विषयों को लेकर सरकार ने कोई बातें नहीं कही। हम ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टाइपन की बात है ये सरकार ने लिखित रूप से हमें 3 साल पर जो है सेवा में जो है बढ़ोतरी के स्टाइपन वृद्धि की बात कही है, मगर उस बात को भी अगर सरकार मानने को तैयार नहीं है, प्रधान सचिव के स्तर के अधिकारी मिलने के लिए हमें समय नहीं देते हैं तो आखिर हमारे पास रास्ता मात्र एक बचता है स्ट्राइक का। मगर जो स्ट्राइक है जूनियर डॉक्टरों का, ये स्ट्राइक से पूरे बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ा है। पीएमसीएच जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर एक और बात समझना चाहेंगे जहां पर प्रधान सचिव से आज मुलाकात होगी लेकिन अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर। अगर हम बात करें स्वास्थ्य मंत्री की तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी आग्रह किया, इससे पहले भी उन्होंने आग्रह किया था लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा है। उनकी बात स्वास्थ्य मंत्री के आग्रह की कोई बात का असर नहीं है। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने इस विषय को लेकर जूनियर डॉक्टरों से जो कहा कि लोगों की हित को ध्यान रखते हुए, जनता हित को ध्यान रखते हुए, राज्य हित को ध्यान रखते हुए काम पर लौटे, उनकी बातों को सरकार के सामने रखा जाएगा, सुना जाएगा, मगर जूनियर डॉक्टर का यही कहना है कि हमारी बातों को रखने का जो समय है वो हमने काफ़ी दिया, उन बातों को सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं थे, सरकार के कोई नुमाइंदे हमसे मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने पूरी कार्रवाई पत्राचार के माध्यम से किया, उन पत्राचार के माध्यम से कोई जवाब हमें नहीं दिया गया, इसके बाद हमने जो है ये रुख अख्तियार किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अभी कह रहे हैं कि बात को सुनिए, बात को समझिए, स्ट्राइक को खत्म करके काम पर वापस आइए, सरकार से जो आपकी बात होनी है वो बात होगी, आश्वासन उचित उन्होंने दिया कि जो आश्वासन होगा, जो कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई होगी, मगर जूनियर डॉक्टर आश्वासन पर नहीं मान रहे हैं, लगातार उनका स्ट्राइक जो है और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से ये बात साफ सरकार के सामने रख दी गई है कि जब तक लिखित रूप से जो फैसला नहीं होगा, आदेश जारी नहीं किया जाएगा, तब तक वो आश्वासन पर काम पर नहीं लौटेंगे। आज मुलाकात है, इम्पोर्टेंट मुलाकात मानी जाएगी, इम्पोर्टेंट होगा आज की मुलाकात, प्रधान सचिव जो कहा जा सकता है कि उनसे मुलाकात होगी, फैसला हो सकता है, क्योंकि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को भी इन बातों की जानकारी हो चुकी है, क्योंकि लगातार 9वां दिन आज जो स्ट्राइक का है, कई खबरें जो प्रमुखता से पीएमसीएच को लेकर चलाई जा रही है, राज्य के अन्य अस्पतालों की चलाई जा रही है, उसमें मरीजों के हालात को दिखाया जा रहा है, सूबे के तमाम लोगों को जो है ये जानकारी है कि जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, तो सरकार इन बिंदुओं को लेकर गंभीरता से अगर आज फैसला करती है और आश्वासन अगर कॉन्फिडेंट में लेकर जूनियर डॉक्टरों को सरकार समझा देती है तो आज जो है स्ट्राइक खत्म भी हो सकता है, क्योंकि आज महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद जूनियर डॉक्टरों का क्या फैसला होगा, स्ट्राइक पे रहेंगे या स्ट्राइक के कॉल को वो जो है खत्म कर देंगे, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर आज का ये फैसला खत्म होने के बाद एक इंतजार होगा कि क्या बिहार के मरीजों को फिर से पीएमसीएच में बेहतर व्यवस्था मिलेगी, तमाम सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टर के इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी, या फिर से अभी जो स्थिति बनी है उस स्थिति में ही उन्हें काम चलाना पड़ेगा। जी बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो आपको देखिए आज जूनियर डॉक्टरों का स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से मुलाकात होगा, अब देखना होगा कि क्या जूनियर डॉक्टर्स के जो मांग है स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग, उस पर कुछ फैसला लिया जाता है या नहीं और ये हड़ताल खत्म होती है या नहीं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे लातेहार की, जहां पर आज लातेहार में बुधवार का दिन काला रहा, अलग अलग सड़क हादसों में 4 की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं, मृतकों में डॉक्टर, बालक और गार्ड शामिल हैं। और बता दें आपको कि देर रात्रि हादसे में प्राइवेट चिकित्सक डॉक्टर एके शर्मा की मौत हुई और हिरहंज
थाना क्षेत्र के इचाक के समीप SH-10 की घटना बताई जा रही है। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लातेहार से संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, आज बुधवार का दिन लातेहार के निकाला रहा, जहां पर अलग अलग हादसों में कई लोगों की मौतें हुई हैं। जी बिल्कुल साहिब, जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं का ऐतिहासिक वृद्धि हुई है लातेहार में, खास करके इसका एक जीता जागता देखने को बुधवार को मिला है। चूंकि अहले सुबह से दुर्घटना का दौर आरंभ हुई थी और देर रात्रि तक दुर्घटनाओं का दौर जारी रहा, जिसमें से चार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें से चार लोगों की मौत हुई है और चार तकरीबन गंभीर रूप से इंजर्ड हुए हैं। हालांकि गंभीर जो इंजर्ड हुए हैं उनकी भी हालत नाजुक ही बताई जा रही है, क्योंकि स्थानीय अस्पताल के अनुसार वो सभी को रेफर करा गया था रिम्स, और जहाँ पे उन लोग का चिकित्सा उपचार अभी जारी है। लेकिन अगर मौत की बात करें तो मौत में एक बाइक और टैंकर के बीच में हुई थी दुर्घटना, जिसमें से एक की मौत हुई थी। वहीं एक कार में दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें से चिकित्सक सवार थे, उसमें से भी मौत हुई, चिकित्सक का ही मौत हो गई है। और दो अलग अलग घटनाओं ने, जिसमें से कोयला लदे वाहन भी तेज रफ्तार का सब मामला बताया जा रहा है साहिबा। और इस तरह से अगर जो बात करेंगे तो मामला को लेकर काफी लोग उग्र भी हुए थे, विशेषकर सुरक्षा गार्ड का जो मौत का मामला था वो, चूंकि मगध आम्रपाली परियोजना में सुरक्षा गार्ड निजी सुरक्षा गार्ड था, और जिसकी मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग सीधा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों पर तेज रफ्तार का लेकर घुसाए हुए थे। तो स्थानीय प्रशासन और DTO DMO का प्रतिनिधित्व के रूप में काफी मान मनोबल के बाद 12 घंटा के बाद उस जाम को खुलवाया जा सका था। सही बात, बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लातेहार में बुधवार का दिन काला रहा, जहां पर अलग अलग हादसों में चार लोगों की मौत हुई है, जिसमें मृतक में डॉक्टर, बालक और गार्ड भी शामिल है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खगड़िया की, जहां पर खगड़िया में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से तीन युवक आए हैं और एक की मौत हुई है, दो घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान तीनों युवक बाइक पर सवार था और टाउन थाना इलाके के बलुआही की घटना बताई जा रही है। तो खगड़िया से खबर, जहां पर अज्ञात वाहन के चपेट में आने से तीन युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की मौत हो गई है, दो घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के दौरान तीनों युवक बाइक पर सवार था और टावर थाना इलाके के बलुआही की घटना। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ खगड़िया संवाददाता स्वतंत्र जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र, खगड़िया में अज्ञात वाहन के चपेट में आए तीन युवक और जिनमें से दो घायल हैं और एक की मौत हुई है, कह सकते हैं कि रफ्तार का कहर देखने को मिला, और साथ ही घायल की क्या स्थिति है? ये शहर के पटेल नगर का तीन युवक जो है एक बाइक पर सवार होकर मार्केट आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में एक ट्रक ने तीनों को कुचल दिया, जिसमें दो की मौत हुई है और एक जख्मी है। जख्मी पवन कुमार अभी भी बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक में इलाजरत है, जबकि दो मित्र, एक शुभम कुमार और दूसरा प्रशांत कुमार की मौत हो गई है। हालांकि ट्रक चालक जो है ट्रक को लेकर के फरार हो गया है, लेकिन दोनों बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। तो इस तरह से घटना के बाद से दोनों परिवार में जो है मातम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और पवन जो जख्मी है उसकी भी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। साहिबा, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्वतंत्र, जहां पर खगड़िया में सड़क हादसा, और बता दें कि इस हादसे में दो लोग घायल हैं और एक की मौत हुई है। खबर मधुबनी से, कहते हैं औरत के ममता की मूर्ति होती है और औरत देवी दुर्गा होती है, औरत के अंदर मां का दिल होता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो जिसके अंदर हैवानियत कूट कूट कर भरी है। और बता दें आपको कि मधुबनी से खबर, जहां पर मधुबनी में एक बिस्किट के मामले को लेकर महिला ने एक बच्ची के साथ हैवानियत की। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, जहां पर दो बिस्किट खाने पर बच्ची के साथ महिला ने हैवानियत की, और ये मामला है मधुबनी का और पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है।
खबर शेखपुरा से। शेखपुरा के वाजिदपुर में पुलिस टीम पर हमला किया गया है और देर रात शेखपुरा पुलिस लाइन के पास वाजिदपुर गांव में शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला किया। इस हमले में पुलिस पर उड़ेबाजी करने के साथ फायरिंग भी की गई। शरारती तत्वों को भगाने के लिए पुलिस को भी हवा में गोली चलानी पड़ी और इस पूरे घटना में दोनों तरफ से किसी के भी जख्मी होने की सूचना नहीं है। गांव के एक स्थान पर डीजे के साथ पार्टी मना रहे थे लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। शेखपुरा में पुलिस पर शरारती तत्वों ने पथराव किया और साथ ही फायरिंग भी हुई है। आपको बता दें कि शेखपुरा पुलिस लाइन के पास वाजिदपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर डीजे के कार्यक्रम में कुछ शरारती तत्वों ने फायरिंग की और साथ ही पुलिस पर रोड़ेबाजी भी की। तो शेखपुरा की खबर, जहां पर देर रात पुलिस पर पथराव किया गया है, शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला किया। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेखपुरा से धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, शेखपुरा के वाजिदपुर में पुलिस टीम पर हमला किया गया है, ये पूरा मामला क्या है बताएं। बात तो है कि युवक की शादी थी कल दिन में, अर्घोती पोखर पे शादी हुई थी और रात में जश्न मनाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो ग्रामीणों के द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया गया। उसके जवाबी कार्रवाई में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस या फायरिंग की गई है, जिसमें मौके पर दो तीन कारतूस की खोल भी मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शेखपुरा की घटना है, जहां पर शरारती तत्वों ने पुलिस पर हमला किया है और साथ ही बता दें कि इस हमले में पत्थरबाजी भी की गई और साथ ही फायरिंग भी हुई है। खबर बगा से, जहां पर पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर में कोरोना गाइडलाइंस में हुए बदलाव के बाद रौनक लौटने लगी है। नए साल के आगमन के पूर्व एक बार फिर पर्यटन नगरी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व सैलानियों से गुलजार होने लगा है। बिहार के इकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में प्रकृति सौंदर्यीकरण का लोग आनंद ले रहे हैं। अभी 4 जनवरी तक के लिए सभी बुकिंग हाउस फुल है। साथ ही वन विभाग ने जंगल में प्रवेश और पिकनिक पर पाबंदी लगा दी है। वाल्मीकि व्याघ रिजर्व के वन क्षेत्रों में नए साल के अवसर पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने या पिकनिक मनाने वालों की इस बार खैर नहीं होगी। प्रशासन की ओर से नए साल में वन क्षेत्र के भीतर पिकनिक मनाने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। कहा गया है कि नए साल में जंगल में अनाधिकृत प्रवेश करना, खाना बनाना, बाजा बजाना, आग लगाना, शिकार खेलना और शोरगुल करना आदि पूर्णतः वर्जित किया गया है। पकड़े जाने पर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत जेल की हवा खानी पड़ सकती है। करना चाहूंगा पब्लिक से कि टाइगर रिजर्व के अंदर जो है वो किसी भी परिस्थिति में आप जो है पिकनिक मनाने या आग जलाने या इस तरह की एक्टिविटीज ना करें, ये अपराध है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। तो अगर सब लोग सुरक्षित रहें और अपने अपने घरों में ही नए साल मनाएं और अंदर जाने का प्रयास ना करें और हमेशा इस पे वन विभाग जो है वो स्ट्रिक्ट रहेगा। अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बघा से राकेश सोनी। राकेश, जाना चाहेंगे वाल्मीकि नगर में कोरोना गाइडलाइन के बीच वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में तैयारियां पूरी कर ली गई है नए साल को लेकर, क्या कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं इस बार? वाल्मीकि नगर में पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरे वन अधिकारी मुस्तैद है। बता दें कि सैलानियों का हुजूम वाल्मीकि नगर पहुंच रहा है और उस बीच लोग नए साल का अगस्त मनाएंगे। लगभग एक सप्ताह से लगातार सैलानियों का टीम वाल्मीकि नगर पहुंच रहा है। यहां तक कि पूरी तरह से वाल्मीकि नगर का रिसोर्ट जो भी है सारा बुक हो चुका है सैलानियों के लिए। 5 जनवरी तक पूरी तरह से बुकिंग है। लोग एक सप्ताह पूर्व से ही नए साल का जश्न मनाने के लिए वाल्मीकि नगर पहुंच चुके हैं। वाल्मीकि नगर प्राकृतिक सौंदर्यीकरण है, उसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। जंगल है, जंगली जानवरों का नारायणी नदी है, ज्योतिर्वनी संगम है, गंडक बराज है, एक लक्ष्मण झूला है, इन जो चीजें हैं उसको लेकर लोग प्राकृतिक आनंद ले रहे हैं। और लेकिन जो फॉरेस्ट के अधिकारी जो है डीएफओ ने आदेश जारी कर दिया है जो 1 जनवरी के दिन लोग पिकनिक मनाते हैं वो जंगल में किसी तरह का तरह से प्रवेश 1 जनवरी को रखा गया है कि कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करेंगे और ना जंगल में बाजा दास किसी तरह का शोरगुल होगा, ना खाना बनेगा, ना आग लगाई जाएगी। अगर जो ये नियम को तोड़ेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसलिए नए साल के लोगों को जश्न मनाना है
तो आप एकदम आनंद लें। और जो गाइडलाइन जो जारी किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा टाइगर रिजर्व का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जो नया साल का जश्न मना है तो लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वाल्मीकि नगर का टाइगर रिजर्व बिल्कुल से सज धज कर तैयार है और नए साल के आगमन को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और वन विभाग की तरफ से भी पूरी तरह से एहतियातन बरता गया है। और साथ ही बता दें कि कई गाइडलाइंस के बीच इस बार नए साल का जो आगमन है वो होगा और साथ ही जो वाल्मीकि नगर में जो पर्यटक पहुंचेंगे उन्हें काफी सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और साथ ही बता दें कि ना शोर शराबा कर सकते हैं और ना ही वहां पर पिकनिक मना सकते हैं, बस वहां पर सैलानियों को जाएंगे भी तो सिर्फ वन विभाग में घूमेंगे और ज्यादा शोरगुल नहीं किया जा सकता, इसको लेकर गाइडलाइन दिए गए हैं। फिलहाल नए साल की तैयारियां जोरों पर है और हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बघा के वाल्मीकि नगर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही, आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।